हे एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, हमने क्लास टेंथ के लिए मैथ्स की सीरीज ऑलरेडी शुरू कर दी थी और अभी हमने रिसेंटली सोशल स्टडीज़ की सीरीज भी स्टार्ट कर दी है। हमने किया था पार्ट वन डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक्स का, और आज हम करने वाले हैं पार्ट टू गाइस। तो इस पार्ट में हम कोशिश करेंगे ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए, ओके। और मैं आपको बहुत ही शॉर्ट वे में और बुलेट पॉइंट्स के साथ सारा टॉपिक जो है वो कवर कराऊंगी, ओके गाइस। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और बच्चों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी गाइस, तो डेवलपमेंट, ओके। तो डेवलपमेंट बच्चों क्या होता है, ये हम ऑलरेडी पार्ट वन में कवर कर चुके हैं। तो गाइस, क्या होता है कि हमारे पॉकेट में जो मनी है उससे हम सारी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज नहीं कर सकते जो हमारी लाइफ को अच्छा बनाती हैं। तो आप कहोगे कि मैम नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मनी से तो हम काफ़ी सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। बट यस, मनी से आप काफ़ी सारी चीज़ें खरीद सकते हो, बट ऑल जो चीज़ें हैं वो नहीं खरीद सकते। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले बच्चों, तो जैसे एनवायरनमेंट है, ओके, अगर आपके आसपास के जो लोग हैं एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, तो आपका एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूशन फ्री नहीं हो पाएगा। सिर्फ ये आप जो आपका जो मनी है उससे आप इसको परचेज नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपकी ही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सभी की कि आप पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जो है वो रखें। आप सभी की ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, आपके अकेले की नहीं है, या आप अकेले पैसे से खरीद नहीं सकते इस चीज़ को, राइट। तो आपको क्या करना है, आपकी मॉरल ड्यूटी है टुवर्ड्स सोसाइटी कि आप क्या करो, आप अपने एनवायरनमेंट को, आप अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखो, पॉल्यूशन फ्री रखो, राइट। तो आप मनी से पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट परचेज नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है और बहुत ही करंट में अगर ट्रेंड में देखें तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ये कि मनी मे नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स, ठीक है। इसमें बच्चों क्या है कि आप जो है अपने आप को इन्फेक्शियस डिजीजेस से नहीं बचा सकते अनटिल एंड अनलेस कलेक्टिवली पूरी सोसाइटी जो है वो एफर्ट्स नहीं करती, प्रिवेंटिव स्टेप्स नहीं लेती, ओके। कैसे बच्चों? बिल्कुल सिंपल है। अभी जो दौर चल रहा है COVID-19 जो डिजीज आई थी गाइस, तो उसमें क्या हुआ, अगर जिन लोगों ने लापरवाही जो है करी उसकी वजह से ही केसेस जो है वो 2 से 200, 200 से 2000 और 2000 से 2 लाख हो गए, ठीक है। अमीर से अमीर, रिच से रिच जो पर्सन था और पुअर से पुअर जो पर्सन था वो अपने आप को नहीं बचा पाया COVID-19 से। हमारे आसपास बहुत सी तबाही इस जो डिजीज ने है मचा दी, ओके। तो गाइस क्या होता है कि कोई भी इंफेक्शियस डिजीज़ जो है वो आप जो मनी है वो आपको इन्फेक्शियस डिजीज से नहीं बचा सकती। आपने देखा होगा कि रिच से रिच पर्सन जो थे वो भी हॉस्पिटल्स में जाकर उनकी भी डेथ हो गई, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट उन्हें नहीं मिल पाया। तो मनी जो है वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता इन्फेक्शियस डिजीजेस से अनलेस पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी जो है वो स्टेप्स नहीं लेगी। अगर मास्क नहीं लगाएंगे आप लोग गाइस, तो आप बिल्कुल भी इस बीमारी से नहीं बच पाएंगे। तो बच्चों, स्कूल खुलेंगे तो आपको भी ध्यान रखना है, आपको मास्क ज़रूर वेयर करना है और साथ ही साथ सैनिटाइज़र भी लेके जाना है, ओके। नेक्स्ट बच्चों हम आते हैं कि एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली, राइट। तो हमें क्या करना है कि हमें कलेक्टिवली स्टेप्स उठाने हैं और साथ ही साथ हमें क्या करना है, ये एक बेस्ट तरीका है। कलेक्टिवली अगर हम स्टेप्स उठाएंगे तभी हम चीज़ों को अचीव कर पाएंगे, थिंग्स को हम बेस्ट तरीके से कर पाएंगे, ओके गाइज। तो इसमें अगर हम एक एग्जांपल ले बच्चों, तो क्या है कि सपोज करो आप एक स्टूडेंट हो और आपके रीजन में, आप पूरे अपने रीजन में आप एक अकेले स्टूडेंट हो, ओके। तो क्या आपके आपके यहाँ पे कोई स्कूल तो नहीं होगा ना आपके लिए स्पेशली? अब आप एक बात बताओ, आप एक ऐसे रीजन में रहते हो कि जहाँ पे स्कूल्स नहीं हैं, तो आप अपनी स्टडीज़ कैसे कर पाओगे, राइट? नहीं कर पाओगे ना, रोज़ तो आप बहुत दूर चलकर नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये अब गवर्नमेंट भी क्या करेगी, गवर्नमेंट जो है एक बच्चे के लिए तो स्कूल नहीं ओपन करेगी,
अगर मतलब गवर्नमेंट जो है ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, अगर गवर्नमेंट जो है वो कलेक्टिवली स्टेप्स ना ले, तो आप अपनी स्टडीज़ भी नहीं कर पाओगे. आप स्कूल जाते हो इसलिए जा पाते हो क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, राइट. तो क्या होता है कि ये जो सर्विसेज हैं वो हमें कलेक्टिवली अचीव करते हैं हम, ओके. तो ये इम्पॉर्टेंट जो थिंग्स हैं हमारी लाइफ में हमें कलेक्टिवली मिलती हैं. एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे फीस पे करते हैं, गवर्नमेंट उसमें पैसा लगाती है, तभी हम एजुकेशन जो है वो कर पा रहे हैं, ओके. नेक्स्ट बच्चों हम आते हैं, जैसे कि अब हम कुछ ऐसे फैक्टर्स पढ़ेंगे कि जिससे हमारा जो स्टेट है, कोई भी एक स्टेट है, कोई भी एक रीजन है, वो अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छे से डेवलपमेंट कर पाता है. कैसे? जैसे बच्चों यहाँ पे क्या है, एक केरला का एग्जांपल दिया है. केरला जो है उसका लो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट होता है. पार्ट वन में बच्चों इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट की डेफिनेशन मैंने आपको दे दी थी, ओके. तो केरला जो है उसका लो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट क्यों होता है? बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, ओके. क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो केरला स्टेट है वो हमारे इंडिया का सबसे अच्छा, मतलब जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है और हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, इसलिए यहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ही लो होता है, ओके. नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऐसे ही कुछ स्टेट्स हैं बच्चों जहाँ का PDS सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है. PDS क्या होता है बच्चों? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ओके. तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, आपने 9th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा कि जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडाइज्ड प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूट करती है, राशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, राशनिंग सिस्टम भी इसको बोलते हैं. तो गवर्नमेंट जहाँ पे जिन स्टेट्स में अच्छे से PDS जो है वो फॉलो कर रही है, वहाँ के स्टेट्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी सही रहेंगी, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं BMI पे बच्चों, बॉडी मास इंडेक्स. ये क्या होता है? देखो बच्चों, बॉडी मास इंडेक्स में हम टू चीज़ें जो हैं, टू फैक्टर्स जो हैं वो कंसीडर करते हैं. सबसे पहले सपोज एक बच्चा है, ओके, उसकी जो उसका जो वेट है उसको हम KG में देखते हैं, KG में उस बच्चे का वेट कितना है. और सेकेंड फैक्टर हम देखते हैं उस बच्चे की हाइट कितनी है. तो बच्चों उस हाइट को हमने इंचज में नहीं, सेंटीमीटर्स में नहीं, हमने उसको मीटर्स में देखना है, ओके. उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, जो उसकी हाइट है जो हमने मीटर में निकाली है उसका हम स्क्वायर रूट कर देते हैं, सॉरी स्क्वायर कर देते हैं. तो जैसे सपोज करो उसकी हाइट जो है वो 10 मीटर्स हैं, तो उसको आप 10 × 10 कर दोगे, ओके, स्क्वायर नॉट स्क्वायर रूट, ओके. तो उस उन दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, बॉडी मास इंडेक्स आएगा. तो बॉडी मास इंडेक्स से बच्चों होता क्या है, बॉडी मास इंडेक्स में एक रेंज होती है. क्या होती है? एक रेंज होती है, क्योंकि बच्चों देखो हर बच्चे का वेट जो है वो एक जैसा तो नहीं होता ना, हर बच्चे का बॉडी मास इंडेक्स भी इसलिए एक जैसा नहीं होता. तो आप भी अपने फ्रेंड सर्कल में देखते होगे, किसी की हाइट बहुत बड़ी होगी, किसी की हाइट छोटी होगी, कोई हेल्दी होगा, कोई कोई बहुत ज़्यादा स्लिम होगा. तो उससे क्या होता है बच्चों कि बॉडी मास इंडेक्स जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो स्टूडेंट है, वो जो बच्चा है, वो माल न्यूट्रिश तो नहीं है, अंडर न्यूट्रिशन तो नहीं है, या फिर उसको ओबेसिटी तो नहीं है. तो हम इसमें देखते हैं कि वो बच्चा जो है उसका बॉडी मास इंडेक्स अगर नॉर्मल रेंज में आ रहा है तो दैट इज़ ओके, और अगर वो ओवरवेट है तो उसको वेट को अपना कम करने की ज़रूरत है, और अगर अंडरवेट है तो उसको अपने वेट को गेन करने की ज़रूरत है, ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, आते हैं इस पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. ये क्या होता है? देखो बच्चों क्या होता है कि मैंने अभी आपको लास्ट सेशन में बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं. जब हम कंट्रीज़ को कंपैरिजन करते हैं तो हम इनकम को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया देखते हैं, लेकिन अगर हम और भी क्राइटेरिया यूज़ करें तो ऐसे बहुत सारी लिस्ट जो है वो निकल के आ जाएगी जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं. लेकिन हमने इसमें से दो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो देखी हैं. क्या क्या गाइस? एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, ठीक है, एक तो सबसे पहले एजुकेशन, एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हेल्थ स्टेटस, ओके. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, एक UNDP है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये है आपका एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्या करता है, HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो निकालता है, उसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलते हैं. और ये क्या करता है, ये पब्लिश करता है, कंट्रीज को कंपेयर करता है,
बेस्ड ऑन कंपेयर किससे करता है, ऑन द एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम. तो पर कैपिटा इनकम हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एजुकेशनल लेवल में भी हम पढ़ चुके हैं, अटेंडेंस रेशियो, लिटरेसी रेट. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें हेल्थ स्टेटस की गाइस, तो इसमें एक चीज छोटी सी और है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है बच्चों, कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ. ओके, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी ले लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारी कंट्री में जो एवरेज लाइफ है वो कितनी है एक बच्चे की. तो इसको हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसको हम एज अ हेल्थ स्टेटस जो है वो कंसिडर करते हैं. और UNDP क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की जो सारा का सारा डाटा है वो कलेक्ट करती है और कंपैरिजन करती है. ओके गाइस, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये. नेक्स्ट हमारा छोटा सा लास्ट टॉपिक है गाइस, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. ये क्या होता है गाइस, देखो डेवलपमेंट तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया कि डेवलपमेंट करनी है, डेवलपमेंट करनी है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. लेकिन गाइस होता क्या है, डेवलपमेंट के चक्कर में हम कई बार जो आने वाली फ्यूचर जनरेशंस हैं उसके लिए हम जो रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, राइट. तो जो साइंटिस्ट हैं गाइस वो क्या कह रहे हैं आज की डेट में, जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं अगर हम उसी पेस से उसी स्पीड से डेवलपमेंट करते रहे तो क्या होगा, अब जो आगे आने वाली जनरेशन है वो वंचित रह जाएगी इन सब चीज़ों से, उनको ये सब चीज़ें नहीं मिल पाएंगी. ओके, तो हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी डेवलपमेंट करें तो जो चीज़ों को इस तरीके से एक्सप्लॉइट ना करें, जुडिशियसली उसको यूज़ करें सो दैट जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको वो सब चीज़ें मिल सकें. ओके, तो इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 6th, 7th, 8th में पढ़ा होगा आपने गाइस, कि वाटर जो है वो अर्थ पर बहुत ज़्यादा है, बट होता क्या है, जो हमारी अर्थ है उस पर फ्रेश वाटर जो है वो बिल्कुल बहुत कम है. और जो स्पेशली जो ग्राउंड वाटर है गाइस, ग्राउंड वाटर की जो टेबल है, वाटर टेबल है वो कम होती जा रही है. और वाटर जो है वो आगे आने वाली जनरेशन को इस तरीके से हो जाएगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा महंगा जो पानी है पीने के लिए वो ख़रीदना पड़ जाएगा. तो हमें क्या ज़रूरत है, डेवलपमेंट के नाम पर हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट ना कर जुडिशियसली यूज़ करें ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको ये सारी चीज़ें मिल सके. ओके गाइस, तो इसी मॉरल वैल्यू के साथ खत्म करते हैं आज का लेक्चर, मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगी. तो मिलेंगे जल्दी ही 2nd chapter के साथ, टिल देन टेक केयर. एंड प्लीज ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्क्रीनशॉट भी जरूर ले लीजिएगा गाइस, क्योंकि आपका कंटेंट इससे बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और MCQ में भी बहुत ही हेल्प मिलेगी. तो मिलते हैं जल्दी ही, बाय बाय.